कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज जोधपुर में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा शुरू हो गई। आज सुबह सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थियों के कारण सड़कों पर गहमा गहमी का माहौल नजर आया। शहर में बनाए गए 62 परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह जल्द ही परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए। यह परीक्षा केवल परीक्षार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी बेहद अहम है। इस परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के लिए शांतिपूर्वक संपन्न कराना उसके लिए एक अहम चुनौती है। रीट की परीक्षा शनिवार व रविवार को दो दो सत्रों में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे व दोपहर 3 से 5:30 बजे तक होगी। इसके लिए शहर में 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार रीट की परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों को चुनावी प्रबंध की तर्ज पर मिशन मोड में किया जा रहा है। नियमों में इस बार न केवल बदलाव नजर आया बल्कि काफी सख्ती भी देखने को मिली, जहां परीक्षार्थियों को परीक्षा से 2 घंटे पहले आना अनिवार्य किया गया, वहीं 1 घंटे से पहले तक प्रवेश नहीं दिया गया। आपको बता दें कि 5 केंद्रों पर वरिष्ठ RSS स्तर का एक जोनल अधिकारी और 10 केंद्रों पर एक एरिया अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक केंद्र पर 4 महिला कांस्टेबल, 2 पुरुष कांस्टेबल व 2 होमगार्ड परीक्षार्थियों की पूरी जांच करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।